Shahid. Shahid, Shahid. Shahid, one click. Shahid. Shahid. Seeing it with the people, trying to feel the love, very, very excited and happy for all the love that we've got. Ranveer Singh is a very special character, and I'm really, really excited. And I wanted to come to a theater like Chandan first, because that's where the janta of our country sees the film. I just wanted to feel the love and experience it. I'm very, very happy, very thankful for everybody out there who's seen the film. Just so watch Padmaavat and all my love. A lot of good response is coming regarding your character, your film. Yes. What do you want to say regarding that? Well, I'm very happy. Of course, this is a character which is very difficult to do. You know, I'm the hero of the film. The film is very larger than life. I wanted to represent the Rajput community. I wanted people to be proud of our heritage and our country and our culture. I wanted them to know this character, Rani Padmaavat. Pati and Ranveer Singh, how big their struggle was and how much valor and the aan baan shaan of the country should be seen. So I'm very happy that people are giving so much love. Ratan! It's overwhelming. I think अभी भी हम कई ऐसे हिस्से हैं देश के बड़े-बड़े स्टेट्स हैं जहाँ पर ठीक से फिल्म नहीं शुरुआत ले पाई है और उसके बावजूद
स्पेशली पहले एक वक्त में तब लोगों में बहुत डर था, यू नो काफ़ी लोग थिएटर नहीं जा रहे थे, इसलिए अगर आप देखिए जब अगले दिन फिल्म ने जितनी कलेक्शंस की उसके हिसाब से जब दूसरे दिन फिल्म ने पिकअप किया तो बेटा पुथली तो विच इज़ अमेजिंग नंबर। और बस यही मैं चाहता हूँ कि ये फिल्म सब लोगों तक पहुँच पाए। अब ऑडियंस ये फिल्म देख चुकी है और ऑडियंस का वर्डिक्ट बाहर आ चुका है, जनता का वर्डिक्ट बाहर आ चुका है, सब लोग बाहर आकर ये कह रहे हैं कि बहुत बेहतरीन फिल्म है और इससे ज़्यादा ग्लोरिफिकेशन हमारे राजपूत कम्युनिटी के लिए, चित्तौड़ और मेवाड़ की डायनेस्टी के लिए और हिंदुस्तान के लोगों के लिए इससे ज़्यादा ग्लोरिफिकेशन शायद मुश्किल है। तो यू नो जेन्युइनली संजय सर ने महारानी पद्मावती और रावल दत्त इनको ऑलमोस्ट भगवान की तरह मन में रखकर इस फिल्म को बनाया है और उनको एक श्रद्धांजलि दी है और हम सब इसमें भागीदार हैं। तो मैं चाहता हूँ कि लोग जाके पूरे हिंदुस्तान में ये फिल्म देख पाएँ और ऑलरेडी इतने कम स्टेट्स में रिलीज हुई है फिल्म फिर भी इतना ज़्यादा बिजनेस कर रही है, दैट गोज़ टू शो कि फिल्म को लोगों का बहुत प्यार मिला। दिखा पाऊँ अभी बहुत छोटी है और शायद जब वो थोड़ी और बड़ी हो जाएगी तो मुझे अभी तो लगता है वो 5-10 मिनट में मुझे ऐसे देखने लोग देखेंगे कि चले अब घर चले वाई भी है बिकॉज वो टीवी भी कम ही देखती है। बट माई वाइफ एंड मी सॉ इट, मीरा और मैंने साथ में देखी और यू नो उन्होंने एक साल मुझे बहुत सपोर्ट किया है बिकॉज ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा डिसीजन था अपनी जीवन का, एक साल ऐसे फिल्म में देना जहाँ पे लोगों को पता नहीं था मेरा रोल क्या होगा फिल्म का। लेकिन मैं चाहता था कि जब फिल्म चाहिए कि फिल्म का हीरो रावल रतन सिंह है और जब तक ये फिल्म रिलीज़ नहीं होती तब तक उसमें बड़े सारे ख्याल थे, डाउट्स थे और आप लोग देख रहे हैं आज चौथा दिन और मैं चौथे दिन बाहर आया हूँ, मैं पहले दो तीन दिन मैंने बिल्कुल बात की थी बिकॉज मैं चाहता था कि पहले लोग इस फिल्म को देखें, मुझे पता चले उनका मेरे कैरेक्टर की तरफ और मेरे रोल की तरफ क्या नज़रिया है, क्या उन्हें ऐसा लग रहा है कि मैंने अच्छा काम किया है या जो भी मौका मुझे मिला है मैं उस पर सही बैठा हूँ। और जब मुझे बहुत ज़्यादा प्यार मिला इंडस्ट्री से, लोगों से, ट्विटर पे बहुत सारे मैसेजेस आए, कभी इतने मैसेजेस नहीं आए, कभी इतना प्यार नहीं मिला और यू नो मुझे ज़रूर ऐसा फील होता है कि जीवन में हर इंसान कभी ना कभी अंडरडॉग जरूर रहा हो, यू नो उसे हमेशा ऐसी सिचुएशन मिली होगी जहाँ उसे लगता है कि यार ये करना मुश्किल है बट चैलेंज की तरह ले लेना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है सब लोग बहुत पर्सनल लेवल पे मुझे वो प्यार दे रहे बिकॉज आई नो दैट इट वॉज अ वेरी टफ फाइट फॉर मी टू डू दिस कैरेक्टर एंड प्ले दिस रोल इन दिस फिल्म, यू नो एंड मेक माय प्रेजेंस फेल्ट, सो आई एम वेरी ग्रेटफुल। शायद दो चीज़ें, एक तो ये कि इंडस्ट्री से भी आपके जो सहयोगी हैं उनकी तरफ से आपको क्या क्या बातें कही गई है, क्या क्या रिएक्शन बहुत 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 ज़्यादा प्यार, बड़े सारे लोग हैं एक्चुअली जब हम यशराज में स्क्रीनिंग कर रहे थे हम सब जो आप बड़ा डिसीजन था कि मैं करूँ फिल्म या ना करूँ तो कैसे प्रोसीड करेंगे, बट जब उतना प्यार मिला यू नो मेरे लिए दिस इज यू नो महारावल रतन सिंह के जरूर। हाँ मुझे पता चला कि कुछ ऐसा स्वरा नहीं लेना, लेकिन मैंने आप उसकी पढ़ा नहीं है, मुझे भी काफ़ी लंबा भी है और फिलहाल हम लोग काफ़ी किसी है बाकी चीज़ें, मुझे पता नहीं उसका क्या इशू है या क्या क्या उनका जो भी इशू है सर्जी सर से, ये वो वक्त नहीं है पद्मावत जो है वो पूरी फिल्म इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रही है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच को एक्सप्रेस को रिप्रेजेंट कर रही है और ये बड़ी मुश्किल लड़ाई थी इस फिल्म को लोगों तक पहुँचा पा, और ऐसे वक्त में आई थिंक पूरी फिल्म इंडस्ट्री ऑलमोस्ट मुझे ऐसा लगता है हमारे साथ और भी कोई ऐसा सुनिए जी पीछे आने वाले दिन बहुत शुभ हमारी शुभकामनाएं, आने वाले 2-3 दिन में और कहां मिलेंगे आप हमें और किस तरह से आपको सरप्राइज करने का मौका दूंगा सक्सेस पार्टी पार्टी होने वाली है, अरे क्लाइमेक्स होना चाहिए, क्लाइमेक्स अच्छा होना चाहिए, पार्टी होने वाली है, सक्सेस पार्टी। हां जी सक्सेस पार्टी, कोई ये चीजें मेरी बीवी डिसाइड करती है।
क्योंकि ये सब वही ऑर्गेनाइज करती हैं, तो अगर उनका मूड हुआ तो वो जरूर सक्सेस पार्टी देंगी और आप सब लोग इन्वाइटेड होंगे, बट मेरा डिसीजन नहीं है, बट जरूर है, वी विल सेलिब्रेट। सर अगर घर पे होना, घर पे होना तो गेट के अंदर ले लीजिएगा, हमें अंदर नहीं आएंगे हम, लेकिन क्योंकि बहुत सर आप तो यहाँ बैठे हो, मैं हमारे सर पे उतरे टाइम आपसे ज्यादा सवाल तो मेरे मम्मी पापा ने भी नहीं पूछा। अगले 10 दिन में शूटिंग शुरू हो जाएगी, हम लोग ऑलरेडी 14 मीटर चालू की रीडिंग्स करना शुरू कर चुके हैं। उत्तराखंड में फिल्म बेस्ड है, इसमें उसका एक सर्टन एक्सेंट है, डायलेक्ट है, एक छोटे से शहर की कहानी है, तो एक राजा से बहुत ही सिंपल से लॉयल का रोल मैं प्ले कर रहा हूँ, और उस समय शहर के बाकी कलाकार भी हैं, श्रीनारायण सिंह देव उससे पहले बनाई टॉयलेट जो शौचालय के इशू को लेकर थी, घर के अंदर कई जगहों पर नहीं है और मुश्किल होती है, इस बार उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी का इशू चूज़ किया है, तो बहुत ही कॉमन मैन के लिए बहुत रिलेटेबल फिल्म है, बहुत रिलेटेबल सब्जेक्ट है, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू स्टार्ट दैट फिल्म। नाउ दैट पद्मावत इज रिलीज्ड, मेरे सिस्टम से वो धीरे धीरे बाहर जा चुकी है और मैं आगे बढ़ सकता हूँ, अपना अटका हुआ है। आज आपको कोई स्क्रीनिंग है कि मतलब कोई मतलब लग रहे हैं, बता दीजिए वरना मुझे भी लास्ट मिनट पर स्क्रीनिंग के बारे में पता चलता भाई। I don't think now that the film is released, I don't think there are any more screenings, but I might visit a couple of more theaters to see people's reactions. Of course, it's hard because yahan janta hai, to janta ka immediate honest reaction matlab nahi achhi hoti, to chai wahi ki wo glass was gira jate, but I think we were liking the film and loving it. So yeah, so I will definitely go and see it. ये तो ये कैमरे ऑफ होने के बाद वाली बात है, कैमरा होने के साथ गेट का कॉल। थैंक यू, थैंक यू, आई नो शी इज विद द फिल्म ओवर, मैं आप भी जाऊंगा, मैं आपको कुछ साल के लिए जाऊंगा और आप लोग और सक्सेस पार्टी का इंतजार कर रहे हैं। थैंक यू सर, गाड़ी में बैठा, गाड़ी में बैठा।